जितनी सिद्धि राम को पहले मिल गई थी उसी से भगवान परेशान थे। बाबा का सब सफल हो गया, असफल कर दिया गया। क्यों भाई? पहले बाबा से तो ये देश को, दुनिया को, समाज को परेशान कर रहा, जितना औकात है उतनी नहीं, और दे दिए कुछ तो जीना हराम कर देगा। नौकरी नहीं मिला है तो ये समाज में समस्या खड़ा कर रहा, कल वो मिल जाएगा तब तब क्या करेगा? तब तो इसलिए अपने आप को सही रास्ते पे चलने का मन बनाइए। सब भजन अच्छा लगता है, कीर्तन भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या भजन हमारे भीतर जाता है, कीर्तन जाता है या बाहर ही जाता है? कितना देर बैठना पड़ेगा भैया? क्या बोले? कितना देर क्या चीज तैयारी करो बाबू? ज्यादातर जो चीजें नहीं करें कुछ लोग कहते हैं बैंक कुछ किए किए क्या हो सकता, ऑफिस में कितना देर बैठना होगा? अपनी करेंगे आपके अंदर मिनिमम ज्यादा प्राइवेट कंपनी समय ज्यादा से करना 10 घंटा, हम लोग आधा घंटा में बेचे नहीं होंगे। हाँ तो देखा जाता है लक्षण का, गाय को भी खरीदने जो जाता है ना, प्रकृति भी लक्षण का हम देखता है, तो देखेगा कि इसको गाय का नाम है, इसका पूंछ कैसा है, इसकी पैर चलता है तो लंगड़ा है, टपर टपर करके नहीं चलता है। आप तो इंसान है, कोई कंपनी वाला कहेगा कि कपड़ा वाले की क्या करेंगे, कंपनी का बढ़ा होता है। जो शुद्ध बैठ नहीं सकता है, शुद्ध बात नहीं कर सकता है, भ्रष्टाचार को हमारे भाई गाना गा रहे हैं, मजा आया, बहुत मजा आया, अच्छा लगा, ताली बजाए। तो आप नहीं करते भ्रष्टाचार, कभी नहीं किए, सही बात, ताली बजाने का भी है किताब, जो ना किया हो तो भ्रष्टाचार। कब किए भ्रष्टाचार? दिया हो तो जन के घर में
क्या खराब हो, क्या बोला सुनिए, कहा भैया बहुत खराब हो, कितना हुआ? पहले जब फतुहा में ट्रेन पकड़ के चलते थे तो टीटी सबसे पहले मैं नहीं पास आता, हमको देख के हमसे दूर के आगे बढ़ा, मतलब आते हैं का सफलता का पहला लाभ। हमने कहा भाई ये हम लोगों को तो बता दिए तो बहुत अच्छा किए, अच्छा किए तो माइक से आपको नहीं बोलने को भी क्या क्या फायदा वाला, हम सिर्फ किसी दूसरे को ये फायदा वाला बताइएगा कि मुख्य साथ में कुछ ना कुछ बोलते रहे ऐसे करोगे ऑफिस में अगर नौकरी हो या निकाल देगा है आपके यहाँ सोची हुई ऐसा ही फगवा है खराब हो जाता है। स्मार्ट बनने का ये टाइम है, स्मार्ट किसको कहते हैं आज का युग, स्मार्टनेस का युग है। आप स्मार्ट का मतलब क्या समझते हैं? हम स्मार्ट का मतलब ये समझते हैं मेरा फेस बढ़ गया, चलो एक मायना ये कि हमारा दिल उठना बढ़िया हो, लेकिन स्मार्टनेस का मतलब है अपने भीतर के व्यक्तित्व को ऊंचा होना, पर्सनैलिटी। आज का युग है पर्सनैलिटी का युग है, पर्सनैलिटी किसको कहते हैं? पर्सनैलिटी का भी भूत नहीं होता है, याद रखिएगा। भूत कौन होता है? घूमा जाता है, पर्सनैलिटी कभी मरता नहीं। भूतपूर्व कलाम साहब सुने हैं क्या? भूतपूर्व राष्ट्रपति सुने हुए, लेकिन भूतपूर्व कलाम साहब क्यों? कलाम में पर्सनैलिटी है, आज भी महत्व है, आज भी बढ़कर सेमिनारों में उनको बुलाया जाता है। क्यों? वो साइंस जानते हैं इसलिए। अच्छा आपको साइंस नहीं जानता है? नहीं, उन्होंने अपने को ऐसा बनाया है, अपने व्यक्तित्व को रखने का कोशिश किया है, ये काम आसान नहीं। आपके बीच हम सब लोग आज भी